Well, hey guys, this is Adeep Khan back with another video. और आज की वीडियो हम जानेंगे कि हम पुल अप कैसे कर सकते हैं इजीली अगर आपसे पुल अप नहीं हो सकते। ओए, खिसक, खिसक, खिसक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइज अगर आप पुल अप नहीं कर पाते तो इन एक्सरसाइज को करने के बाद आप पुल अप करने लग जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज अगर आपको जाननी है कौन सी एक्सरसाइज हैं तो वीडियो को पूरी देखें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पुल अप स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो हैं चार मसल। एक है हमारा रोम्बॉइड, लैटिसमस डॉर्साय, ट्रेपीजियस, और सबसे ज़रूरी मसल है हमारा बाइसेप्स। तो चले मैं आपको बताता हूँ हमें पहली एक्सरसाइज कौन सी करनी है जो आपको पुल अप करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे अपने रोम्बॉइड को, जो हमें स्ट्रेंथ देगा अपने आप को पुल करने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे अपने रोम्बॉइड को। रोम्बॉइड को ट्रेन करने के लिए हमें पुलिंग मूवमेंट चाहिए, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ TRX। अगर आपके पास TRX नहीं है तो आप एक बारबेल और एक पावर स्क्वाट से भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका अल्टरनेटिव। जिम में आप यूज़ कर सकते हैं TRX, और अगर आपके पास TRX नहीं है, आप घर पे कर रहे हैं, तो आप किसी को पिलर को पकड़ के आप अपने आप को पुल करेंगे, जिससे आपके रोम्बॉइड स्ट्रांग होंगे और रोम्बॉइड आपको हेल्प करेंगे अपने आप को पुल करने के लिए। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हमारे लैटिसमस डॉर्साय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम इसमें अपनी बॉडी को हल्का सा पुल करें। अपने आप को शुरू शुरू में पुल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसे करते रहेंगे तो आपको आदत बनेगी, जिससे आपका पुलिंग मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और आप पुल अप आसानी से कर पाएंगे। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी जिम में। अगर आप जिम नहीं करते, अपने घर पर पुल अप लगा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज घर पर कैसे होगी मैं वो भी बताऊँगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि जिम में कैसे करना है और घर पर कैसे करना है। तो तीसरी एक्सरसाइज हमारी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। इस एक्सरसाइज से आपके रोम्बॉइड, बाइसेप और लैट्स एंगेज होंगे, जिससे आपके बैक स्ट्रेंथन होंगी अपने आप को पुल करने के लिए। आप जिम में इस मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और हैवी वेट में यूज़ करें, इसकी 5 रेपिटेशन कम से कम निकालें। घर पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है और आपके पास मशीन नहीं है, तो आप किसी फर्नीचर या खिड़की के पास खड़े होंगे, नीचे बैठेंगे, जिस पे आपके हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएं, फिर अपने आप को पुल करेंगे। याद रखें, आपको पुल अपने हाथों से करना है, अपनी बैक को यूज़ करना है, अपने पैरों को कम से कम यूज़ करना है। पैर यूज़ होंगे लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज में एक्सपर्ट होते रहें, अपने पैरों को अपनी बॉडी से दूर रखते रहें और अपने आप को पुल करने की कोशिश करें। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेंगी पुल अप करने के लिए। आप इन एक्सरसाइज को आप एक महीने तक फॉलो करते रहें, और उसके बाद देखें आप पुल अप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और अगर आप पुल अप कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।